इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं एनसीईआरटी में। इस शीट की स्टार्टिंग में लिख लो फॉर एनसीईआरटी प्लीज, शीट की स्टार्टिंग में लिख लो एनसीईआरटी, ये करनी है एनसीईआरटी की स्टार्टिंग यहीं से होगी। देखो तो सबसे पहली चीज, इसमें पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है 1.5 × 10⁻⁶ कूलम का चार्ज है, विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी गिवन है 2 × 10⁶ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, एंड बी वेक्टर गिवन है जे और के में, आपको क्या निकालनी है फोर्स, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है सब कुछ, फोर्स मैग्नेटिक क्या होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज की जगह चार्ज, v वेक्टर फॉर्म में i कैप, b वेक्टर फॉर्म में j और k कैप, नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई डायरेक्टली, नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्या आएगा i क्रॉस j, यहां पर क्या आएगा i क्रॉस k, i क्रॉस j क्या होता है k और i क्रॉस k क्या होता है माइनस j, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहना लेकिन फाइनल आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक ठीक हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने एक और चीज नोट की, पूरी प्लस टू में है क्या वेक्टर्स, फील्ड फोर्स करते जा रहे हैं, वेक्टर करते जा रहे हैं, बस बात खत्म, तो वेक्टर के ऊपर ही पूरा ये बेस तैयार है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज, क्या क्वेश्चन है, क्योंकि आई क्रॉस के जो होता है माइनस जे होता है ना फिजिक्स में, वेक्टर में वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा प्लस वन का, डॉट एंड क्रॉस, ठीक है ना। ओके देखो, एक प्रोटोन फॉल नीचे गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे गिरने की डायरेक्शन ये लेते हैं, नीचे गिर रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लेते हैं परपेंडिकुलर, राइट, इस तरीके से, इस तरीके से, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नीचे गिरना इसको बोलते हैं। तो वो कह रहा है प्रोटोन नीचे गिर रहा है और ये नीचे गिर रहा है, तो एक काम करो इस वेक्टर को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, वी वेक्टर असाइनमेंट में, दिस इज वी वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है 1.5 टेस्ला साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, बी वेक्टर, तो बोलो वी और बी में एंगल कितना 90, फोर्स तो लगेगी इसका मतलब, तो आपको क्वेश्चन में बताना है फोर्स कितनी लगेगी। अब फोर्स कितनी लगेगी, बी क्यू वी साइन 90, लेकिन आपको वेलोसिटी तो पता नहीं, वेलोसिटी के लिए आपको क्या गिवन है एनर्जी, एनर्जी कितनी गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, तो इसमें मेगा का मतलब 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है 1.6 × 10⁻¹⁹, यहां से वेलोसिटी निकालनी है 2 ऊपर m नीचे, वी स्क्वायर आ गया, तो सॉल्व करके v कैन बी कैलकुलेटेड, जो v आएगा वो इसमें पुट करेंगे तो बी क्यू वी साइन 90 फोर्स की वैल्यू आएगी। अब फोर्स की वैल्यू तो आ गई, डायरेक्शन बोलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहाँ है ये रहा, फर्स्ट फिंगर ये रहा बी, सेंट्रल फिंगर कहाँ है नीचे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन कहाँ है नीचे, तो फर्स्ट फिंगर इधर सेंट्रल फिंगर नीचे, तो थंब कहाँ आएगा बाहर, तो या तो आउटसाइड लिख दो या फिर इसमें ईस्ट वेस्ट के हिसाब से क्या आएगा ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट बाहर है वेस्ट अंदर है, तो ईस्ट वर्ड, पॉइंट क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक, तो फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, इस वायर का नाम रख लो ए बी। लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट, स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट, कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट है। प्रोटोन पी ट्रेवल्स एट 4 × 10⁶ पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर अवे। प्रोटोन गिर रहा है एंड कहां मूव कर रहा है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द करंट। करंट अगर ऊपर है तो प्रोटोन कह रहा है नीचे है, कह रहा है प्रोटोन पे फोर्स बताओ। प्रोटोन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, कहां लगेगा, करंट ऊपर है तो बी इनसाइड। तो समझ में आया क्रॉस क्यों लगाया, तो इसकी वजह से है। बी इनसाइड है, वेलोसिटी नीचे है, तो बताओ वेलोसिटी और बी में एंगल कितना हुआ 90, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, बी क्यू वी साइन 90। आपको इस क्वेश्चन में बी चाहिए, तो इनफाइनाइट वायर 0.2 मीटर दूर बी क्या लगाएगी, म्यू नॉट बाय 4π2i/r, बी आ गया। चार्ज पता है प्रोटोन पे, वेलोसिटी पता है साइन 90, डायरेक्शन देख लें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बी कहां पर है, बोर्ड के इनसाइड है, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के इनसाइड है, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नीचे है, बी वी और फोर्स, फोर्स कहां लगेगी टुवर्ड्स राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है फोर्स राइट क्यों है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। एक चीज का आंसर दो, सपोज आपके पास करंट ये रहा 4 एम्पियर, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो बताओ डायरेक्शन क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की, लगाओ फ्लेमिंग का रूल, देखो आंसर क्या होगा, लगेगा वो कैसे लगाएगा वो आप अपना दिमाग लगाओ, लगेगा तो सही बट डायरेक्शन प्रोटोन के ऑपोजिट, हाँ मतलब ये नहीं कहा नेगेटिव पे रूल नहीं लगता, लगेगी फोर्स लगेगी तो डायरेक्शन आप बताओगे। उसमें अभी तो ठीक लगा दिया, अभी तो ठीक बोल रहे थे, ये देखो बी कहां है इनसाइड राइट, अपनी कॉपी में लगाओ ना, यहां पे देखोगे तो भूल जाओगे, अपनी कॉपी में रूल लगाओ। कितने लोग बोलते हैं राइट इसमें, कितने बोलते हैं लेफ्ट, कितने लोग बोलते हैं नीचे, कितने बोलते हैं ऊपर, कितने बोलते हैं इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड भी है, इनसाइड आउटसाइड भी है, बहुत गलती हो सकती है, क्या बड़ी बात है। जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फोर्स वेक्टर क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यार ये तो एक बड़ा सिंपल रूल है, फोर्स की डायरेक्शन वी के और बी के 90 डिग्री पे आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहां पे करंट कैसे है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आउटसाइड, ये रहा आउटसाइड, जब फील्ड ही आउटसाइड है यार फोर्स आउटसाइड नहीं हो सकती, पक्की बात है ना, इनसाइड होगी, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है उस तरफ फोर्स कैसे होगी, उसके 90 डिग्री पे ही होगी जब भी होगी, ठीक। तो जिनका आंसर आउटसाइड इनसाइड है वो तो सही नहीं बैठेगा, तो अब करें लगाएं फ्लेमिंग का रूल। फर्स्ट फिंगर बी, ध्यान इधर, फर्स्ट फिंगर बी बोर्ड के बाहर, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर हमारा चार्ज क्या है नेगेटिव, तो अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि सेंट्रल फिंगर इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तो मैं अपने मन में अज्यूम करता हूं दो तरीके हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा होगा, इसके ऑपोजिट, इमेजिन करना है कि अगर नेगेटिव नीचे जा रहा है तो ये फिंगर यहां तो जाएगी नहीं, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाएगी, जहां कुछ नहीं रहा तो फोर्स कहां आएगी टुवर्ड्स राइट। कितने लोगों का आंसर राइट आया था, ये सही है। फिर देखो बी बाहर है, ध्यान आगे प्लीज बात नहीं करनी यार, बी कैसे है बाहर है, बी बाहर है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर हमारा चार्ज क्या है नेगेटिव, तो बी बाहर है तो मैं नीचे ले सकता, मैं इमेजिन करूंगा कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा होगा, नेगेटिव अगर नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो थंब कहां जाएगा इस तरफ। ऐसा कर लो, नहीं तो एक और तरीका है, आप रूल लगाओ इलेक्ट्रॉन पे एज इट इज, कैसे बी बाहर है
और डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरफ से ये सेंट्रल फिंगर ले जाओ, तो फोर्स का आ रही है इधर, लेकिन आप अपना आंसर फिर उल्टा बोलना कि अगर फोर्स इधर आ रही है क्योंकि ये सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है पर हमारा चार्ज नेगेटिव है, तो इसकी फोर्स इधर नहीं आएगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगी, इधर आएगी, वो आपकी मर्जी है। मैं रूल ऐसे लगाऊंगा, मैं पहला रूल ही फॉलो करूंगा कि अगर बी ऐसे है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं प्रोटोन मानते हुए ऊपर करते हुए डायरेक्शन लगाऊंगा, एक ही बारे में आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो आपने क्या मान लेना है, सेंट्रल फिंगर नीचे लेनी, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लेनी है, फोर्स अपने आप आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये रूल क्लियर है यहां तक? अच्छा, आपके कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ना बहुत सारे जैसे चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, उनमें ना दो चार्जेस जैसे प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, इनका मास और चार्ज आप लोगों को मालूम होता है, बट दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बार बार टेस्ट के अंदर लोग पूछते हैं, सर मैं चार्ज भूल गया, मास भूल गया, बता दो, न्यूमेरिकल अटक जाता है ना, और ऑब्जेक्टिव में कोई बताएगा नहीं, सब्जेक्टिव में एनसीईआरटी में मर्जी अगले की, अल्फा पार्टिकल बहुत आम बात है ना। तो प्लीज ये याद रख लो कि अगर अल्फा पार्टिकल आएगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लेंगे, 4 times मास ऑफ प्रोटोन लेंगे या हीलियम, एक ही बात है, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लेंगे, 2 times चार्ज ऑफ प्रोटोन लेंगे। कोई डाउट इसमें? याद रखना है, ऐसी न्यूट्रॉन के लिए याद रखना है जो चार्ज है वो प्रोटोन के इक्वल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल होता है एक, और उसी तरीके से मास 2 times मास ऑफ प्रोटोन है, तो इफ रिक्वायर्ड तो हम इसको क्या करेंगे, रेफर कर लेंगे, मैंने लिख दिया इसमें। पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि चाहिए होगा अल्फा पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, अल्फा पार्टिकल पे तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है?